शानी से औरत पूछती कि एक नामर्द से उसका निकाह हो गया, अब वो औरत उसको छोड़ना नहीं चाहती, वो कहती है कि मैं इसको किस तरह से छोड़ दूँ, ठीक है ना, जबकि ये बांझ भी है और ना मर्द भी है। तो ऐसे में वो उसकी शौहर की दिलजोई के लिए या दुनिया के प्रेशर में तो वो पूछती कि क्या अगर मैं तलाक ले लूँ तो कोई गुनाह तो नहीं? बिल्कुल भी कोई गुनाह नहीं। 1 साल तक का मौका दिया जाता है इस्लाम में कि वो मर्द अपनी ना मर्दी दूर कर ले, अगर फिर भी वो समझती कि 1 साल में भी नहीं रह सकती तो फौरी तौर पर इधर अदालत जाए, उधर जाके निकाह ख़त्म उसका, वो अपने आप को पाक दामन कर रखे। उसकी पाक दामनी ज़रूरी है, किसी का दिल रखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, वो अपने आप को पाक दामन रखे। बिल्कुल फौरी तलाक 1 सेकंड से पहले काजी को चाहिए कि ये भी ना पूछे कोई और वजह कि और कोई वजह और क्या वजह, बस हो गई ना, बता रही कि ना मर्दी। रसूलुल्लाह के पास एक औरत आई थी, उससे कहा या रसूलुल्लाह मेरा शौहर जो है वो ना मर्द है, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसको आज़ाद कर, इस औरत को, ये खुला मांगती, इसको फारग कर दे। तो ऐसी औरत अगर खुले का मुतालबा करे तो कुरान मजीद के मुताबिक जो है मर्द को चाहिए कि वो या तलाक दे दे, अगर तलाक नहीं देता तो काजी को चाहिए उसको फसख कर दे। लेकिन खुला लेगी तो फिर इस तरह से ये होगा कि काजी जो है वो उस औरत को जो है कहेगा कि तुमने जो इससे हक महर लिया वो वापस कर दो, और इस तरह अगर तलाक देगा तो हक महर। लेकिन अगर वो औरत कहती कि नहीं आप मुझे हक महर भी ना दें और तलाक दे दें तब भी सही, यानी सेटलमेंट हो सकती सारी, लेकिन हक महर जो है वो देना चाहिए, ठीक है। फिर वो पूछती कि अगर ऐसी सूरत में वो औरत जो है वो 13-14 साल इसी उम्मीद में गुजार दे कि शायद इसका इलाज हो जाए और वो अपने शौहर से अलग नहीं होती, तो उम्मीद पे गुजारती है तो फिर वो गुजारा कर सकती तो गुजारा करे, लेकिन ये सवाल बताता है कि उससे गुजारा हो नहीं रहा अब, ठीक है ना, इसलिए उसको गुजारा ना करे, चुप करके अपनी और जगह पर शादी करे और अपने आप को फारग कराए उस बंदे से, ठीक है, कोई उसमें उसके साथ रहने की उसको ज़रूरत नहीं।